सभी को नमस्कार। आज हम अपनी 7th क्लास इंग्लिश उड़ान वर्कबुक के अंदर आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं, तो हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। वर्कशीट 3 हमारी छोटी है, लेकिन हमें इसे ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। ये वर्कशीट रहेगी हमारी ग्रामर में एडवर्ब से संबंधित। तो हम स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंसेस एंड द क्वेश्चंस। इन वाक्यों को हमें पढ़ना है एंड द क्वेश्चंस और इन प्रश्नों को। द क्वेश्चन विल हेल्प यू आइडेंटिफाई एडवर्ब्स। और जो ये प्रश्न है ये हमारे एडवर्ब की पहचान करने में सहायता करेंगे इन द सेंटेंसेस वाक्यों के अंदर। पहला इसमें दिया है सी प्लेड द ड्रम्स। वो ड्रम्स को बजाती है लाउडली, जोर से। हाउ डिड सी प्ले द ड्रम। वो ड्रम को किस प्रकार से बजाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ हमारा ये सेंटेंस दिया गया है कि वो ड्रम को लाउडली से बजाती है, और यहाँ इसने क्वेश्चन अराइज कर दिया कि किस प्रकार से वो बजाती है। हाउ डिड सी प्ले द ड्रम। वो किस प्रकार से ड्रम को बजाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर है लाउडली, यानी जोर से। सी प्लेड द ड्रम लाउडली। तो इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हमारा लाउडली है, यही हमारा एडवर्ब है। सेकंड सेंटेंस है हमारा, आई नेवर ईट ब्रिंजल्स। मैं कभी भी बैंगन नहीं खाता। क्वेश्चन इसका अराइज किया है इसने, व्हेन डू यू ईट ब्रिंजल। तुम ब्रिंजल कब खाते हो। और हमारा सेंटेंस पहले इसमें दिया आई नेवर ईट ब्रिंजल, मैं कभी ब्रिंजल को नहीं खाता। तो इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो वर्ड नेवर है, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, और यही हमारा जो है वो एडवर्ब है नेवर। सी लाइव्स अपस्टेयर। वो ऊपर रहती है। वेयर डिज सी लिव। वो कहाँ रहती है। अपस्टेयर यानी सीढ़ियों के वो ऊपर रहती है। तो यही हमारा जो है एडवर्ब हो जाएगा अपस्टेयर। नेक्स्ट है द गर्ल्स फुटबॉल टीम प्रैक्टिसेस एवरी डे। यानी जो लड़कियों की फुटबॉल की टीम है वो हर रोज अभ्यास करती है। इसी का क्वेश्चन बनाया है, व्हेन डू दे प्रैक्टिसेस। वो कब अभ्यास करती है। तो हमारा इसमें सेंटेंस के अंदर ही हमारा जो है आंसर आ जाता है एवरी डे, यानी हर रोज। तो ये हमारा एडवर्ब इसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है द बॉय वॉक्ड डेंजरसली क्लोज टू द लेक। हाउ डिड ही वॉक। वो किस प्रकार से वॉक करता है, किस प्रकार से चलता है। तो इसमें सेंटेंस में हमारा आ गया द बॉय वॉक्ड डेंजरसली, यानी खतरनाक तरीके से वो जो है चलता है। क्लोज टू द लेक यानी उस झील के साथ साथ। तो ये हमारा जो डेंजरसली जो वर्ड है, यही हमारा इसके अंदर एडवर्ब हो जाएगा। आगे इसमें है हमारा एड एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स। उचित एडवर्ब को हमने जो है ऐड करना है इन द सेंटेंसेस वाक्यों के अंदर एंड रिराइट देम, और उनको जो हमें लिखना है। वी वॉन द मैच। हमने मैच को जीता। हाउ किस प्रकार से जीता।
तो यहाँ हम जब लिखेंगे सेंटेंस तो उसमें एडवर्ब को ऐड करके सेंटेंस को हम लिखेंगे। वी वॉन द मैच, हमने मैच को जीता। हाउ, किस प्रकार से जीता, यानी हमने मैच को जीता तो आसानी से जीता। वी वॉन द मैच इजली। तो यहाँ जो इजली जो वर्ड है इसको हमने सेंटेंस के अंदर ऐड कर दिया है। वी वॉन द मैच इजली, हमने मैच को आसानी से जीत लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है आई होप वी विल गेट ए टेबल। आई होप, मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, वी विल गेट ए टेबल, हम एक मेज प्राप्त कर लेंगे। वहन, कब कर लेंगे। और इसी सेंटेंस से हमें एडवर्ब को ऐड करके सेंटेंस को बनाना है। आई होप वी विल गेट ए टेबल, और इसके आगे हम ऐड कर देंगे सून, जल्द ही। तो सून जो है ये हमने एडवर्ब को ऐड करके सेंटेंस हमारा लिख दिया है। आगे है द वेटर वॉक्ड टू आवर टेबल। द वेटर वॉक्ड टू आवर टेबल, यानी जो वेटर है वो हमारी टेबल की तरफ आया। वॉक टू आवर टेबल, हाउ, किस प्रकार से आया, वो कैसे आया, हमें वो उसके जो एडवर्ब को ऐड करके किस प्रकार से आया, धीरे धीरे आया, जल्दबाजी में आया, या किस प्रकार से, तेजी से आया, कैसे आया। तो हम यहाँ सेंटेंस हमारा जो है एडवर्ब ऐड करके बना देंगे। तो हमने लिखा है द वेटर वॉक टू आवर टेबल हर्डली, वो जो है तेजी से, जल्दबाजी से वहाँ पर आया। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें दिया है माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई वाज हैंग्री, भूखा था, सो ही एट द फूड, इसलिए उसने भोजन जो है किया। हाउ, किस प्रकार से किया। तो माय यंगर ब्रदर वाज हैंग्री, मेरा छोटा भाई भूखा था, सो ही एट द फूड क्विकली, इसलिए उसने भोजन को तेजी से जो है लिया, भोजन को तेजी से ले लिया। तो ये क्विकली जो है हम इसके अंदर जो है एडवर्ब को ऐड कर देंगे। बच्चों यही हमारी जो है वर्कशीट नंबर 3 थी। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। इसे आप अपनी नोटबुक में भी अवश्य करें, और आपको अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आपका थैंक्स, आप इसे देखते रहिए।